नमो अरहंतारम नमो सिद्धारम नमो वारियारम नमो वज्जायारम नमो लोये सहसावूरम शुद्धात्मान मनीकांतम साधुमत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदा देव जैन धर्मो सुमंगलम सर्व मंगल मंगलम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जेतु शासनम। आत्मा तो आत्मा ही है, मानो तो और न मानो तो। मानने का फल अनंत सुख है और न मानने का फल अनंत दुख है। आत्मा त्रिकाल सुख स्वरूप है, मानो चाह मत मानो। और जैसी तंदुल मच्छ और महामत्स, महामत्स हिंसा के कारण नरक में गया वो, और तंदुल मच्छ हिंसा के भाव के कारण नरक में गया, महामत्स भी हिंसा के भाव के कारण ही नरक में गया। तंदुल मच्छ का क्या भाव रहता था? अगर मेरे मुंह में ये जानवर आ जाए तो एक को भी नहीं छोड़ू। ऐसे जिनका अभिप्राय विपरीत है उनको सब कार्य करते हुए भी विपरीत ही फल होता है, इसलिए अभिप्राय को बहुत सम्यक बनाना चाहिए। जो जीव देव को अपना मान करके प्राप्त पर्याय में तन्मय हुए बस उसी में मगन है। अब वे चाहे पूजा करें, चाहे स्वाध्याय करें, चाहे तप करें, चाहे व्रत करें, चाहे सील पालें, चाहे यात्रा करें, वही के वही चलता है। कोलू के बैल की तरह दिन भर चलते हुए भी कोलू का बैल वहीं का वहीं उसी घेरे में दिन भर चला, और कितना चला? क्या कुछ नहीं चला, एक कदम आगे नहीं, उस घेरा से नहीं निकलता। ऐसे ये जीव इंद्रिय सुख के घेरे से नहीं निकल पाता। आप सोचो, देह से भिन्न हम आत्मा है, सोच करके तो देखो, कम से कम सारे पाप न छूट जाए तो अपन से सारे पाप अपने आप छूट गए। हिंसा करेंगे, हिंसा का भाव आया मान लो, किसके लिए? किसके लिए? आत्मा के लिए तो हिंसा की जरूरत नहीं, और शरीर के लिए? शरीर तो अध्रुव है, विनाशी के, अपना है ही नहीं। स्त्री पुत्र कुटुंब आदि के लिए? वो वाल्मीकि का ही आया, भैया तुम हमें बांध दो, इस पेड़ से बांध करके चल जाओ, और जे पूछाओ कि इसका फल तुम भोगोगे कि नहीं भोगोगे, इस फल को बांटोगे कि नहीं बांटोगे। पुत्र के मोह में जो पाप करता है वो पिता अकेला भोगता है, पिता के राग में पुत्र पाप करे तो अकेला पुत्र भोगेगा, स्त्री के राग में पति करे, पति के राग में स्त्री करे, अकेला भोगेगा। जन्म में जीव अकेला है, मरण में जीव अकेला है, सदा काल अकेला है और अकेला ही रहेगा, ये निश्चित बात है। अब यहां से देह छूटेगी तो क्या होगा? कौन सा हाथ आएगा? किसके लिए हिंसा? अपने से पूछो। अच्छा, किसको अच्छा? प्रमासी सुख मानेगा वहां पाप ही होगा। किसके लिए हिंसा? किसके लिए झूठ बोले हम? झूठ बोल दिया हमने, हमने सामने सोच लिया कि सामने वाले को हमने कुछ नहीं, ये समझा कि ठीक है कोई बात नहीं, देखो सामने वाले ने कुछ नहीं कहा तो नहीं, कह तो नहीं पाया मैं कितना हूं, लेकिन उस झूठ का फल किसको भोगना पड़ेगा?
अरे इतनी चीज ज्यादा खा ली, नेक दुकान के धर लो हमने और खा लो, बात क्या हो, किसने खा लिया, नेक दूध इतना ज्यादा पा लिया, मलाई इतनी ज्यादा ले ली, घी ज्यादा ले लो, नेक किशमिश इतनी ज्यादा ले ली, नेक इतनी, बात क्या हो, शरीर भी मोटा नहीं होगा। निरंतर तुम्हारे ये झूठ के परिणाम, चोरी के परिणाम चलते रहेंगे, उनका फल कौन होगा। और यही घरों में होता रहता है, कछु नहीं का ले लो तुमने, इनको कछु नहीं लो, इसने वो हमारी मलाई ले ली, हमारा दूध ले लो, हमारा पानी ले लो, हमारा भरण ले। अरे किसके लिए भैया पाप कर रहे हो तुम, ये हम सोच रहे थे बैठी ऊपर, सो यहां चले आए, किसी के कहने से नहीं आए, और न तुमसे कह रहे हैं, तुमसे तस्वीर कह रहे भैया तुम्हारी समझ में आए तो मान लो। ये छोटी छोटी बातों पर अपनी आत्मा का घात मत करो, इसमें क्या हो गया, क्या हो गया, ये तो तुम्हें तब पता पड़ेगी जब आगम बढ़ोगे, क्या होता है ये बताओ। आत्मा में कुछ होता है, आत्मा में जब कुछ नहीं होता है तो पर्याय में क्या होता है, पर्याय में होता है निरंतर आश्रय बंद। और कुछ नहीं अगर होता, चोरी का परिणाम नहीं होता, अगर एक बात लाई उसमें, अगर भावना का फल न मिले, भावों का फल न मिले, तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए। पाप भावों का फल न हो तो नरक त्रिंच गति शून्य हो जाए, कौन जाएगा नरक त्रिंच। पुण्य भावों का फल अगर शून्य हो जाए तो स्वर्ग कौन जाएगा, मनुष्य कौन होगा। अब ये सोचो, तुम्हें मनुष्य किसने बनाया, उस देव को देव किसने बनाया, उस कीड़े को कीड़ा किसने बनाया। तुमने कीड़ा मारे होंगे, क्या करना मारे, अपन अपने जुंग में पड़े। ए हमने देख नहीं पाए, घरों में ऐसा होता है, कपड़े लिए और भिगो दिए और रख दिए, और संजाल रखे, बर्तन पड़े पड़े दिन भर, बस मक्खी मर गई। ऐसे लाओ भाई, आए पर ऐसे सोए गए, जाले लग गए। जाले माने क्या होता है जानते हो, किसी का घर है, अब तुम बेघर बार हो जाओ तो क्या करे। समर्थ होकर के भी अगर असमर्थों का अपना अधिकार छीनेंगे तो अपन असमर्थ हो जाए, कल गरीबी में आ जाए तो क्या होगा। गरीबों को गरीब किसने बनाया, उनके परिणामों ने। अब उन परिणामों से बेगरीब हो गए, अब तुम वैसे परिणाम हो गए तो तुम नहीं गरीब हो जाओ। हम कह रहे अभी ये सुना रहे थे, ग्वालियर में किसी को रुपया दे भी गए, उन्हें भैया हमारे पास तो 8 दिन की सामग्री धरी है, 8 दाल सब है और 500 रुपया भी है, तुम किसी और को दे। हमें 40 साल पहले घटना याद आ गई, आदि बनियान तो हमारे पास है ही, तुम कहो और दे दो। का फर्क पड़ता है, जैसे अरे लेना नहीं देना सीखो, का फर्क पड़ता है। शरीर की मेहनत है न ज्यादा हो जाएगी न कम हो जाएगी, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। मने हिंसा किसके लिए, झूठ किसके लिए, चोरी किसके लिए, ऐसे अपने से प्रश्न करो। भाई एक भजन गाती हुई, एक जोगी असन बनावे, आप बनावे आप ही खावे, खावत न अगावे।
क्या मतलब है? क्या वो हम कोई खीर बन रही दाल चावल बन रही? अरे परिणामों की है। एक योगी आसन बनावे, आसन बनावे माने वो भावों का भाव से बन रहा है, स्वयं को समझता है, स्वयं को समझाता है। आत्मा का गुरु आत्मा है, किसके लिए ये चोरी? कहां रह जाएंगे, क्या करेंगे? मैं घी हमने ले कर दे तो क्या सिखाओगे? बात सिखाओगे? जी अपने हो गए, जी पराए हो गए। इनको देखा जरा कम कर दिया, इनको देखे ज्यादा कर दिया, बस ऐसे कर दे। हाँ, बड़ा आराम अपने बेटे को दे दिया, उसको भतीजे को दे दिया। क्या हुए वो कि कछु नहीं, भाई भाई न्यारे हो गए, बंटवारा हो गया, सबरी काम बिगड़ गया पूरा का पूरा। इतने आटे में बाद में किसने क्या हुएगा? हिंसा हो चाहे झूठ हो, चाहे चोरी हो, चाहे कुसीद हो, चाहे परिग्रह हो, किसके लिए? पुद्गल का पुद्गल में स्पर्श हुआ तो मैं आनंद कहां से आ जाएगा? क्यों लाट टपक रही तुम्हारी इन इंद्रियों के विषयों के पीछे? सोचो क्या होगा एक दिन से क्या हो जाएगा जो बता। हमारे महापुरुषों के और हमारे अंदर में क्या अंतर है? कुछ अंतर नहीं, सोच का अंतर है, संस्कारों का अंतर है, श्रद्धा का अंतर है। बड़ा सोच लोगों को बड़ा आदमी बनाती है, ये समझ लो। बड़ा सोच बड़ा आदमी बनाती है और अंत में भगवान बनाएगी, और छोटा सोच छोटा छोटी गति में ले जाएगा, हीन गति में ले जाएगा। हमने उस दिन आपको बताया था धन्य कुमार का जी केवल उन भाइयों को खाते पीते देख करके ईर्ष्या करता रहा, ये खुखा रहे हमें कुछ नहीं दे, ये खुखा रहे हमें कुछ नहीं दे। माँ ने समझाया अभी भैया अपन यहाँ नौकरी कर रहे हैं, सज्जन आदमी है, कहाँ जाएंगे अपन नौकरी छोड़ करके? तो थोड़ा थोड़ा समझ में भी आया, लेकिन अंदर में ही था करता रहा और ये सोचता रहा इनको अभी मारू, इनको मारू, ये हमारी माँ से कैसे बोलता है, ये हमसे कैसे बोलता है। अंत में क्या हुआ, धन्य कुमार का जीव कितना पुण्यशाली, कितना पवित्र भाव, तो अभी उसके भाई उससे ईर्ष्या करते थे। हमारा मतलब किसी को देख करके अपने परिणाम मत बिगाड़ दे रहा, बिल्कुल मत बिगाड़, इनका फल भोगना पड़ेगा, ये समझ लेना, फल भोगना पड़ेगा। लोक में कहावत होती है कोई भैया बन के बैर लेता है, कोई पुत्र बन करके बैर लेता है, कोई स्त्री बन करके बैर लेता है, कोई पड़ोसी बन करके बैर लेता है। बैर लेता है मतलब क्या है? तुम्हारी परिणाम का उदय आता है और क्या होता है? ये क्रोध किसके लिए पता? क्रोध में ये जीव दूसरे का समझे, अनादर करे, उसको नाश करना चाहे, उसका बुरा होना तो उसकी भवितव्य के अधीन है, तुम्हारा बुरा हो जाए। क्रोध किसके लिए होगा? लौट के किन पे पड़ी? ये एक सिद्धांत है, समयसार जी का सिद्धांत है, त्रिकालवर्ती सिद्धांत है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों लिखा चूरन के पुरनावस है बता? वो चोर चोर ही रहा, साहूकार साहूकार ही रहा, उसका घर बनता गया, उसके व्यापार बढ़ते गए, उसने फिर कमा लिया, और चोर चोर ही रहा। मन से दूसरे का अनादर करे तो करे, दूसरे को हीन समझे तो समझे, लेकिन किसकी हीनता करोगे तुम? क्या कर लोगे उसको? ये समझ लो, हम एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं कर सकता, ये सिद्धांत है। लेकिन ये एक दवाई का सेवन करोगे तो ठीक होगे, ऐसे सिद्धांत का प्रयोग करोगे, बार बार विचार करोगे तो कुछ काम बनेगा, और सिद्धांत को बस वैसे ही उड़ा दोगे, कहते रहोगे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, और करता तो बुद्धि को मान दे रहोगे, हम ही कर रहे हैं,
हम अच्छा कर लेंगे, हम इसको नहीं करने देंगे, हमने काम कर लेंगे। भैया कौन करेगा, कौन अरे किस कार्य में कौन निमित्त होगा, ये भगवान के ज्ञान में है कि नहीं? अगर हमें निमित्त बनना होगा तो हम ही हो जाएंगे उस समय उसके भाव हो जाएंगे। अरे कौन सोच रहा था आज हम अपन में बैठेंगे, 3 घंटे पहले हम भी नहीं मालूम था हम बैठेंगे, और कौन सी घटना निमित्त हो जाती है बैठने में, चिंतन में, और बस वही चिंतन में बता रहे और कुछ नहीं कर रहे। तो भैया सोचो तुम, क्रोध किसके लिए, ये मन में हम किसका अनादर कर रहे हैं, अरे सूर्य किसको सुना रहे हैं हम। श्रावकाचार्य जी में लिखा, रे कारो तू कारो, किसी शब्द किसी से मत बोलो, बचनों की दरिद्र मत बनो। हमें बचनों की दरिद्रता है, हमें हमारी तीव्र कृषा है, हमारी तीव्र अहंकार है, अरे तो छोड़ो ना, क्या छोड़ेंगे बस, और मजाक भी कर दी। देखो दूसरों को स्वीकार करने मात्र से काम नहीं चलेगा, हमें बहुत बुखार है। अरे बुखार है तो उपाय तो करो भैया। दूसरों को जो स्वीकार भी नहीं करते वे तो पापी हैं, लेकिन दोषों के स्वीकार करने मात्र से दोष का अभाव नहीं होगा। हमारी गुस्सा बहुत तीव्र है, हमको मान बहुत तीव्र है, हमको हमारा लोभ बहुत तीव्र है, हमारी आसक्ति बहुत खाने पीने में, पहनने ओढ़ने में हमारी आसक्ति बहुत है। अरे ऐसा कहने से काम थोड़ी चलेगा भैया। बंधन के ज्ञान से बंधन का भाव होता है कि बंधन की चिंता से बंधन का भाव होता है, बोलो समय सार जी में क्या लिखा, और तुम क्या समझते हो, वहां तो लिखा होगा सो लिखे रहने, लेकिन तुम क्या समझते हो जो बता। बंधन की चिंता से भी बंध का भाव नहीं होता, और बंधन के स्वीकार मात्र से जानकारी मात्र से भी बंधन का भाव नहीं होता, बंधन को काटने से बंध का भाव होता। और बंधन को काटा कैसे जाता है, काटना माने क्या होता है जानते हो, अलग अलग कर दो, इसको काट दो, इसको भी काट दो, तो माने अलग अलग कर दो, ये कपड़ा काट दो माने अलग अलग कर दो, ऐसे बंधन को काट दो माने बंधन अलग अलग कर दो, बंध अलग है और आत्मा अलग है, बस खत्म हो गई। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, बंध दुख स्वरूप है। हम क्रोध किसके लिए कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, किसका अनादर कर रहे हैं, हमने नहीं मानी तो हम उस दिन कह रहे थे न मानी जिनवाणी की बतियां, इसलिए ये बतियां निकल रही, जिनवाणी की बतियां नहीं मानी। अगर जिनवाणी की बतियां मानते होते, जिनवाणी की बातें मानी होती तो आज शरीर ही नहीं होता, अब हम सुखी होते। ये खाने पीने की लालसा इसलिए हो रही है हमें, जिनवाणी की बात नहीं मानी। जो सोचो इस परिणाम का फल क्या होगा, ये हमने विचार नहीं किया कभी, कोई बात नहीं किया तो नहीं किया। राग भाव पहले धर्म नहीं किया तो वर्तमान में धर्म कर सकते हैं, और वर्तमान में धर्म करने के लिए कोई मजबूरी है, संगठन शक्ति कमजोर है, विपरीत परिस्थिति है, तो आगे भावना भाव आगे धर्म कर सकते, ऐसा नहीं है। किसी का बचपन अच्छा होता है, जवानी दुखदाई होती है, बुढ़ापा दुखदाई होता है, और किसी का बुढ़ापा बहुत अच्छा होता है, कहे जीव के परिणामों का फल है। ये लोग किसके लिए कर रहे हैं, हम ये चोरी किसके लिए कर रहे हैं, हमने तुमसे दुका के खा लिया तो इससे हो क्या गया, हमने दुका के धरदई के पास होगा तो कौन खाएगा, शरीर खाएगा क्या, मैं खाऊंगा। लेकिन जिस प्रकार टोटरमल जी लिखा, शरीर को अपना मानता है,
यह अनंत पापों का मूल है। सारे पापों का मूल देह को अपना मानना है। अगर देह को और शरीर और आत्मा को अलग अलग माने कोई पाप नहीं है। हमारी नहीं मानी, अरे हमारी नहीं मानी कि अनंत ज्ञानियों की नहीं मानी, ये बता। हमने अनंत ज्ञानियों की नहीं मानी तो आज हम यहां संसार में पड़े, और हमारी नहीं मानी तो संसार में पड़े। वो तो लोक में कहावत है, ये तो शास्त्र की बात नहीं है, लोक में कहावत है। मानो पूत बड़न की सीख, नहीं तो ले कटोरा मांगो भी। गुरुजनों की शिक्षा को मानना चाहिए। वैद्य जैसे रोग में वैद्य की सीख को मानते हैं, हवा में नहीं उड़ाना चाहिए। ठीक है, कहते ही रहते क्या करना है, बनो अपन तो करो। अरे ये अभिमान में किसका हम अनादर कर रहे हैं ये सोचो, कौन की अवज्ञा कर रहे हैं? एक अब कल्पना करो, चक्रवर्ती की छह खंड में आज्ञा चलती है, चलती कि नहीं चलती? क्यों बता, जिन आज्ञा मानने में सावधान है, जिन आज्ञा भंग करने का बहुत भय है उस चक्रवर्ती। आज हम ये कह रहे हैं समाज तो बहुत बड़ी है, घर में किसी की सब जने मान लेते बहुत बहुत मुश्किल है। कोई लड़का नहीं मानता, कोई बहू नहीं मानती, कोई बेटा नहीं मानते, कोई ये बड़े नहीं मानते, कोई छोटे नहीं मानते, क्या करें बहू? कह चुके कई बार, मानते ही नहीं, खेद मत करो। अब हम बताएं उसका उत्तर क्या करें? पिताजी मानते ही नहीं, मम्मी मानती ही नहीं, लड़का मानता ही नहीं। अच्छा भैया तुम मान जाओ। क्या हम क्या मान जाए, हमारी क्या गलती है? कि दूसरों को देख करके तुम अपने परिणाम मत बिगाड़ो, ये नियम कर लो, क्योंकि उस परिणाम का फल तुम्हें खुद भोगना पड़ेगा। दूसरों को देख करके अपने परिणाम मत बिगाड़ो। जीव नाना कर्म नाना लब्ध नाना विद कही, अतएव निज पर के समय के साथ वर्जित बाद भी। नहीं, कुतर्क मत करो, वाद विवाद मत करो, परिणाम मत बिगाड़ो, उस परिणाम का फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम तुम्हें देख करके घृणा करें तो क्या होगा, उस घृणा का फल तुम भोगोगे कि हम भोगेंगे? तुम्हें देख करके क्रोध करें, जिन मानता ही नहीं है बहुत दुष्ट है। अरे बहुत दुष्ट है कि तुम दुष्ट हो? न मानने वाले के प्रति तुम क्रोध कर रहे हो, मानने वाले के प्रति राग कर रहे हो, तो तुम दुष्ट भाई कि ये बहुत दुष्ट हुआ? आपको मालूम है विश्व में एक बार मूर्तियों की प्रतियोगिता हुई, मूर्तियों की, एक निर्णायक मंडल बैठा मूर्तियों का निर्णय करने के लिए कौन सी मूर्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो किसी मूर्ति के साथ कोई कुछ, किसी के साथ कुछ, कोई की रौद्र मुद्रा, किसी की आर्त मुद्रा, किसी कैसे लगे सब। अब छांटी दो, बौद्ध मूर्ति और जैन मूर्ति, छांट दी, ये शांत मुद्रा है। अब भाई दो में से एक छांटना है, दो थोड़ी छाटेंगे। अरे शादी एक के संग होए कि दो के संग? आप बता, दो के संग तो नहीं हो सकती ना, तो एक छांटना। अब उसमें से बारीकी से छांटी, अरे ये भी राग का प्रतीक है, इनको क्यों नहीं दिया आशीर्वाद, इनको क्यों दिया आशीर्वाद? खुश ही रहो, और तुम खुश ही रहो, सब खुश ही रहे, ये क्यों नहीं कहा? अरे हमारे आचार्यों ने ये कहा, सुखी रहे सब जीव जगत के, ये ही खुश ही रहे, ये अकेले, ये हमारी खूब सेवा कर। भैया तुम खूब हमें सेवा कर तो खुश ही रहियो। और ये अरे ये दुष्ट है, ये बिल्कुल नहीं पूछता मानता, मर जा ऐसा हो जा, ये दुर्भावों का फल कौन भोगेगा?
सेवा करने से वाले से आज्ञा मानने वाले से राग करो और सेवा न करने वाले से आज्ञा न मानने वाले से द्वेष करो तो तुम जैन मूर्ति नहीं रही। जैन मूर्ति तो अपने ध्यान में मग्न है, वो देख रही है सबको, सबको देखती है लेकिन राग द्वेष किसी के नहीं। ज्ञान पूरा है और राग बिल्कुल नहीं। हाँ, अंत में निर्णय हुआ जैन मूर्ति विश्व में सर्वश्रेष्ठ। बीत राग था विश्व में सर्वश्रेष्ठ है। तुम कहो जी हमारी बात मानते, जी नहीं मानता। अरे भाई मानता नहीं कि मान सकता नहीं, ये बता। पुण्य के उदय से ज्यादा सेवा कर सकता नहीं कि करता नहीं। अरे कोई माँ अपने बेटे को शेरवर भैंस का बढ़िया दूध पिला के बताए, इतना सा बच्चा है और माँ है उसकी, शेरवर भैंस का बढ़िया औटाया हुआ बढ़िया दूध पिला के बताए, अरे वो नुकसान कर दे, नुकसान कर दे, नुकसान कर दे, मान रही हो क्यों बता। माँ है, माँ बनो। हमारे गांव में ये कहावतें हैं, भैया पेट पराओ थोड़ा ही है, माल भले पराओ हो। माल भले पराया हो, पेट थोड़ी पराया है, पचाना किसको पड़ेगा। हमेशा ये सोचो देह से भिन्न आत्मा में हूं, मैं देह नहीं हूं, किसके लिए पाप कर रहा हूं, किसके लिए विषयों की ओर लालसा कर रहा हूं, किसको मैं चाह रहा हूं, किसमें अनिष्ट की कल्पना कर रहा हूं, किसे घृणा करते, किसे ईर्ष्या कर रहे, किसे द्वेष कर रहे हैं, वो कौन है बता। तुम्हारे अपने समाज स्वाध्याय चला था, समाज ग्रंथ, हम उसे देख ही नहीं रहे, आत्मा है। अरे तुम ही आत्मा नहीं हो, सब आत्मा है, तुम ही आत्मा नहीं हो अकेले, सब आत्मा है और कर्म के प्रेरे आत्मा है, बस इतना अंतर है। और तुम भी कर्म के प्रेरे आत्मा, इसलिए परिणाम बिगाड़ो मत कभी भी। माध्यस्थ भाव रखने में बहुत पुरुषार्थ है, भीतराग भाव में। हम आपसे कई बार कह चुके, देखो अनुकूल परिस्थितियों में रूढ़ी की क्रिया कर लेना अलग बात है, अनुकूल प्रतिकूल में समता रखना अलग बात है। कोई व्यवस्था खराब नहीं, अपने आराम से अपने बैठ गए, खा लिया पी लिया, बस माला फेर ली, स्वाध्याय कर लिया, पूजा कर ली और एक दिन वो नहीं मिली, चौकी कहा भाई, अब क्रोध हो गया, हमारी व्यवस्था बिगाड़ क्यों दी, तुम यहां क्यों बैठ गए। अरे तो बैठ गए, वहां वो बैठ गया, तुम यहां बैठ गया, ये हमारी जगह। ये भगवान सोचो, विचार करो, हम शरीर के लक्ष्य से कितने पाप करती रहती हैं 24 घंटे। शरीर के आश्रय से पाप होता है, आत्मा के आश्रय से धर्म होता है। जब तक हम आत्मा को नहीं समझेंगे, धर्म का प्रारंभ भी नहीं होगा। हम अपने मन को समझाते रहेंगे, चोर है चोर, वो घंटा चढ़ाया, वो सोचा देवी का कचकच देंगे, पकड़े नहीं है, और घंटा चढ़ाया पकड़ा नहीं गया मान लो, तो वो सोचता है अरे देख ले भगवान ने बचा लो मैं, जबकि भगवान बचाने वाला और मारने वाला नहीं है। भगवान ये कह रहा है बचने का उपाय ये है और मरने का उपाय ये है। अब समझ, आज प्रतिक्रमण नहीं करना है भैया, रोज प्रतिक्रमण करना। आज पूजा नहीं करना है, रोज पूजा करना। सत्कर्माणि दिने दिने, फिर दिने दिने क्यों नहीं, आज क्यों, आज अकेला, आज आज गलती हो गई, आज और रोज सही थी। अनादि काल से
हमारी सही चल रहा था, हम देह से भिन्न आत्मा मान रहे थे अपने को, हम कर्ता नहीं मान रहे थे, हमारी विषयों में आसक्ति नहीं थी। आज गलती हो गई, आज गलती नहीं हो जाती, अनादिकाल से भूल में है। इस भाषा को हमेशा बदल लेना चाहिए। आज प्रतिक्रमण करना है, क्यों आज कह दिया, ये कोई बात नहीं। इसका मतलब है हमें पाप के फल का दंड भय नहीं है, पाप के फल के दंड का फल, वो पापोदय का फल, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों का डर है। कोई भी कार्य देखो, कोई भी कार्य नियत अपनी साफ रखो, बिल्कुल नियत साफ माने देह से भिन्न आत्मा को देखो, किसके लिए का करने, नेक ज्यादा हो जाए, काम प्यारा है कि चाम प्यारा है। जिनको चाम प्यारा है, दाम प्यारे हैं, उनको राम नहीं मिलता, और जिनको राम प्यारा है उनको काम चाम दाम की परवाह नहीं रहती। जिनको राम प्यारा है उनको काम की चाम की दाम की परवाह नहीं रहती, और जिनको दाम काम प्यारा है हम पारे हैं, अब नहीं उठ रहे। कहे भैया क्या बात, अगर तुम्हारा बेटा रात को तबीयत खराब होगी तो उठोगे नहीं उठोगे तुम, फिर साधन में के लिए क्यों नहीं उठ रहे, अब नींद आ रही है। अच्छा भैया नींद आ रही तुम्हें, ये टाल टूल क्यों हो रही, नींद क्यों आ रही है, आपको बताया नींद क्यों आती है बताओ, पहले बता चुके हम सब, दर्शनावरण कर्म का उदय है इसलिए नींद आती है, प्रबल कारण है। और दर्शनावरण का अब नींद आ रही है ना, तो ये सोचो तुम्हें दर्शनावरण का बंद हुआ है तब तो नींद आ रही, बंद है तभी तो उदय में आया। अब तुम्हें नींद आ रही है तो तुम ये सोचो तुमने नींद का काम किया होगा, दर्शनावरण का बंद बांधा है, और दर्शनावरण का बंद कौन से परिणामों से बनता है, उन परिणामों को सुधारो तब तुम्हारी नींद मिटेगी, झक्की खुलेगी जिन वचन सुनोगे तो। अब जिन वचन नहीं सुनोगे तो नींद तो आएगी, हम क्या करेंगे, क्या करें, हमारी बुद्धि नहीं है तो बुद्धि क्यों नहीं, किसने रोका है तुम्हें बुद्धि, जितने लोग कहते हैं बुद्धि नहीं है उनमें ज्यादा बुद्धि होती है, भोगों में उनकी बुद्धि चलती है। मिथ्या ज्ञान का ये लक्षण है, इतना ही कहेंगे। मिथ्या ज्ञान का क्या लक्षण है, विपरीत जगह बुद्धि चलती है, सम्यक जगह बुद्धि नहीं चलती। आज्ञा मानने में बुद्धि नहीं चलेगी, आज्ञा टालने में बुद्धि चलेगी तुम्हारी, समर्पण करने में बुद्धि नहीं चलेगी, बचने में बुद्धि चलेगी, बच जाए तो बच गया, बस खत्म हो गया। ये तत्वों का व्यवहारिक अर्थ है, बचने में बुद्धि चलेगी, समर्पण में बुद्धि नहीं चलेगी, बचे और बस सोच लिया हम बस ठीक चले, और कहा उन्हें कुछ कही नहीं तो और समझ लिया हमने सही आपको। ये भारी भूल है जीवन में, अगर कोई कुछ न कहे तो भारी उसे सही समझ गए। अच्छा ये बताओ सही किसने कहा, सही किसने कहा, कई बार हम जी कहते तुम्हारे माता पिता ने यही सिखाया तुम्हें, तो हम जी पूछे कोई के माता पिता ये सिखाएंगे, तुम्हारे गुरु ने यही सिखाया, तुम्हारे मंदिर में यही सिखाओ यार, क्यों भैया उल्टी बात क्यों बोलते हो, तुम भी उसी मंदिर में बैठते हो, तुम ही उसी पूजा करते हो, तुम भी उसी गुरु के शिष्य हो, तुम्हारे वेद उन्हीं के भगवान है, तुम्हारे भगवान नहीं है, उन्हीं के गुरु है, तुम्हारे गुरु नहीं है, और बस कसाय में बोलते आते, सही बोलते हैं गलत नहीं बोलते, कसाय में बोलते आते हैं, क्यों उनको दिखता ही नहीं हमारे गुरु भी यही है, हमारा मंदिर भी यही है। दो भाई भाइयों में लड़ाई हो जाए तो माँ को गाली जबरन देने लगे, अरे माँ अलग अलग है कि एक ही है, वे दोनों के दोनों लड़ने लगे, हमारी टांग तुमने छुई तो तोड़ दिया हम तुम्हारा,
अरे टांग तुम्हारी है ना उनकी है, टांग तो गुरु जी की है। विचार करो, शरीर के लक्ष्य से जो कुछ भी होता है गलत होता है। वीतरागता के पोषण करने वाले जितने अर्थ हैं सब सही अर्थ हैं। एक अर्थ, एक शब्द के 20 अर्थ भी हों तो सही है, अलिंगरण के हैं कि नहीं। और अगर राग पोषक एक भी अर्थ निकालोगे तो तुम गलत होगा, तुम्हारा अर्थ गलत होगा। जीवन में स्याजवाद का प्रयोग करना सीखो, वीतरागता को साध्य बनाओ, आत्मा को लक्ष्य रखो। पूछो अपने से, हम नहीं तुमसे पूछने जाएंगे, किसके लिए? अब परे परे सो रहे हम तो, काहे कौन से पूछ, काहे कोई नहीं, काहे तो रहोगे नहीं, कौन कह रहे, कहां सो रहे परे परे? पूजा करो, चलो स्वाध्याय करो, कोई देखने वाला नहीं हो तो रोटी नहीं खाओगे क्या? कोई कहे नहीं तो रोटी नहीं खाओगे कि पानी नहीं पियोगे? जब रोटी खाओगे पानी पियोगे तो फिर स्वाध्याय क्यों नहीं करते, समय क्यों नहीं करते, संयम क्यों नहीं पालते, परिणामों को निर्मल क्यों नहीं करते? उसका फल कौन भोगेगा? ये कहने से काम नहीं चलेगा, हमें अभिमान बहुत है। अभिमान बहुत क्यों है? अरे तुम्हें तो इतना भी अभिमान नहीं होगा अगर तुम अपने को आत्मा देखोगे। तुम अपने को आत्मा देख के अभिमान करके हमें बता दो। तुम्हें अभिमान बहुत इसलिए है कि तुम उस पैसा की ओर देखते हो, हमारे घर पैसा है, हम होशियार हैं। अभिमान इसलिए आता, हम बड़े हैं। तुम्हारे उल्टे विचार आते हैं इसलिए तुम्हें अभिमान बहुत होता है। अगर सही विचार होंगे तो अभिमान टूटेगा। सत्य विचार से भी कसाएं नहीं टूटे हैं तो कई फिर कैसे टूटेंगे बताओ? सत्य विचार से कसाएं टूटती ही टूटती हैं। भावना सफल होती ही होती है, भावों का फल मिलता ही मिलता है, और नहीं तो ब्रह्मांड शून्य हो जाए। अब तुमने लिख दिया, महापुरुषों से डरना अवगुणों के डरने के समान है, ठीक है ना? अब जो महापुरुषों से नहीं डरती है तो अवगुणों से नहीं डरती, उनको देख लेना। जो बड़ों से नहीं डरते होंगे उन्हें अवगुण का डर नहीं लगता। वे स्वच्छंद होकर के पाप करते, प्रमादी होते, कथाएं पोषण करती रहते, उल्टा उल्टा सोचते रहते, हमें डर नहीं लगा। तुम्हें डर काहे को लगे? वो तुम्हें अवगुणों का डर नहीं लगता। अवगुणों का डर लगे तो महापुरुषों का डर लगे। महापुरुष माने अवगुणों से रहित, हमें डर नहीं है। तुम्हें दुर्गति के लिए डरो भैया, गांव की कहावतें हैं ये, तो काऊ से मत डरो, भगवान से तो डरो। तो भगवान से डरो का मतलब ये है, भगवान के वचनों में जो कहा है उसका उल्लंघन करने, जिन आज्ञा के भंग होने का डर करो। अगर भगवान से डरने का मतलब भगवान से डरना नहीं है, भगवान कुछ करेंगे, बेका कर नाराज होते। अभी तो नाराज नहीं होते, लेकिन उनकी विराधना से पाप को शो काम भोगोगे तुम। जो नहीं करते उनका तो बहुत ध्यान रखने पड़ा है। भोजन करने में जो मांगता नहीं है, बोलता नहीं है, उसका तो बहुत ध्यान रखना है। तुम्हें बोलना है, उसे बुलवाना है, वो बोल मौन से भोजन करता है, तो तुम्हें बोलना पड़ेगा रोटी ले लो, पानी ले लो, और दे दें कि नहीं दे। अब तुम पहले मौन हो जाओ तो क्या करेंगे? ये अभिमान की तीव्रता है। ऐसे ही भगवान कुछ करते नहीं तो भगवान को, तो भगवान की विराधना का बहुत फल है, अनंत दुख है, और भगवान की आराधना का अनंत सुख है। भगवान कुछ करते नहीं, ये ध्यान रखना। ये कहना काम नहीं चलेगा, भगवान का, भगवान कौन नाराज हो तो भगवान क्या करेंगे? अरे भगवान नहीं करेंगे, उनको करने की जरूरत नहीं है और उनको करने की शक्ति भी नहीं। लेकिन उसकी विराधना से महापाप होता है, दुख होता है, इस बात को मत भूल जाओ, स्याद बात को मत भूलो। एक सासू अपनी बहू से बहुत डरती है, सुनाया तो तुम्हें है?
कुछ न कुछ कहकर के जबरन लड़े। एक दिन उसकी पड़ोसन आई, अब वो बहू कुछ बोले ही नहीं, कहा गूंगी हो गई, बोलती क्यों नहीं है, काय कहे। तो वो पड़ोसन बोली, भैया हमसे लड़ ले, बाद काय को लड़ गई। तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है कि आप ये सोचो कि तो मेरी बटू मेरी ये कहां से करे हो। कभी किसी को देख करके परिणाम मत बिगाड़ो अपने, कभी किसी के कर्तृत्व का अहंकार मत सोचो। हम कुछ ज्यादा हैं कि कभी हमें सोचना ये महापाप है, हम बड़े हैं, नहीं तो सिद्ध करके बता तुम काय बात में बड़े हो। जिनको ये विकल्प आता है महापाप का बंध है, हम बड़े हैं, उसमें अपने बड़ों को अनादर होता है, व्यवहार न से भी अपने से बड़ों का अनादर होता है, हम बड़े हैं, तुम्हारे रहते हुए हम बड़े कैसे, अब तो तुम ही बड़े हो, अरे तुम्हारी मां के रहते हुए तुम बड़े कैसे हो जाओ हैं? तुम्हारे पिताजी के रहते तुम बड़े कैसे हो जाओगे, सोचना चाहिए। हम बड़े हैं इस बात को विचार करने में भी बड़ों का अनादर होता है, और ये बस पाप कराता है। काय में पड़ी थी अपन ने यहां भगवती आराधना, भगवती आराधना पड़ी थी, गुरु के रहते हुए जो गुरु बनता है वह महापापी होता है, गुरु के रहते हुए जो गुरु बनता है, गुरु के सामने गुरु कैसे बन गया। अरे भाई पगड़ी रस्म कब होती है बता, गुरु के रहते हुए गुरु कैसे बन जाते हम। अरे सीखना चाहिए सिखाना नहीं चाहिए, बहुत सीखना है, सिखाने के लिए जिंदगी पड़ी है। तो जो बात है हम कह रहे हैं, हमें अभिमान बहुत है, तो अभिमान इसलिए बहुत है तुम्हारे विपरीत विचार बहुत चलते, विपरीत विचारों बिना कैसे बहुत हो जाएगा बताओ, कहां से आया। हम तो कह रहे बहुत क्या, थोड़ा भी नहीं रहेगा, यहां बदबू बहुत है, यहां कोई मुर्दा सड़ रहा है, बदबू फैलती ही नहीं, अब तुम गड़े मुर्दा उधर खाड़ोगे तो बदबू फैलेगी कि नहीं फैलेगी। ये हमारे हैं, ये हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है, ये कहां से आएगा, ये मेरे तेरी की भावना कहां से बनेगी। इस मिथ्यात को छोड़ो, जी लिखा है अनादिकाल के मिथ्यात को अब तो छोड़ो, तो जिसका ये अर्थ है कहां भरा है, ये नहीं है मिथ्यात को छोड़ो बस, हम मिथ्यात और हम मिथ्यात कहते ही नहीं, हमने छोड़ दो मिथ्यात, ग्रहित मिथ्यात को मिथ्यात मानता है, अग्रहित मिथ्यात की ओर उसका दिमाग नहीं जाता, इसको छिपे हुए मिथ्यात के भाव को पहचानो और उसको छोड़ करके अपना कल्याण करो भाई। ओम नमः। हे जिनवाणी भारती सोए जपूं दिन रे, जो तेरी शरणा गए सो पावे, या वाणी की ज्ञान ते सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा।